लो जरा रुको यार। चलो स्लो करो, गाड़ी शेप हो रही। चलो गवर्नमेंट तरफ से जो नया कानून पास किया गया है CAA और उसके बाद NPR और NRC इम्प्लीमेंट करने का जो प्लान कर रही है गवर्नमेंट, ये CAA, NRC और NPR ये असल में सारे हिंदुस्तानियों को परेशान करने का एक नया तरीका ढूंढा गया है। 6 साल से BJP हुकूमत में है, जो असल कामकाज करना है बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करना है, बेरोज़गारों को रोज़गार देना है, मज़दूरों की मजदूरी देना है, ज़ईफ़ों को जो है वजीफे देना है और मुल्क की तरक्की का कामकाज छोड़ के और उल्टा जो है हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी बैंक्स है, उसको खामोशी के साथ अंदर अंदर बेच देने की कोशिश की जा रही है। पूरे पब्लिक सेक्टर के बैंक जो 12 से ज़्यादा थे उसको 4 कर दिया गया है और रेलवे को खामोशी से बेच दिया गया है। MTNL और BSNL के जो है 90,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को VRS के लिए मजबूर किया जा रहा है और MTNL और BSNL की जायदादों को बेचने की तैयारी की जा रही है। हर चीज़ को बेच दे के जो है ये लोग हमारे मुल्क को जो है पूरा खल्लाश कर देने की तरकीब सूझे हुए हैं और इसकी नज़र आम लोगों पर नहीं जाना बल्कि ये लोग जो है CAA, NPR, NRC जो है लागू करें। और ये CAA, NPR, NRC से आम हिंदुस्तानियों को कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है, बल्कि NRC हम आसाम में लागू करें जिसका नतीजा ये हुआ कि 16 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम NRC के बाहर हो गया, 19 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम NRC से बाहर हो गया और जिसमें जो है 15 लाख से ज़्यादा जो है गैर मुस्लिम भाई हैं, दलित भाई हैं, मजबूर लोग हैं और वो 15 लाख लोग जो है वापस फिर इंडिया की स्ट्रीम में आने को उनको 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 साल के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद फिर सिटीजनशिप मिलेंगी नहीं मिलेंगी वो तो बात की बात है, मगर ये 5 साल तक उनको सड़ते रहना है। और अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। ये जो हमला 15:07 से 7:15 तक लाइट बंद करे NRC के ख़िलाफ़ जो हमला प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पूरे मार्केट के लोग काला पत्थर ताड़बन एरिए के NRC के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 15 मिनट के लिए पूरी लाइट बंद रखे हैं। कहाँ पर करें? ये काला पत्थर ताड़बन नई रोड। आज एक पुरमन तौर पर एक नई तहरीक लेकर इस मोहल्ले के अतराफ अकनाफ के नौजवान उठे कि पुलिस की तरफ से बार बार परमिशन ना मिलने की वजह से एक लाइट को बंद कर कर अपने तौर पर एक एहतजाज दर्ज करना इनका हक था और वो हक उन्होंने अपने तौर पर बेहतर अंदाज से अदा किया और अतराफ अकनाफ के सारे के सारे 100% लाइट बंद रहे, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं था। और नौजवान और इन पूरे शहरी इस मुल्क के बड़े बेचैन हैं कि वो इस कानून को वापस लें, इस काला कानून को जालिमाना तौर पर जो नाफिस किया जा रहा है उसे वापस लिए तक कोई चैन से नहीं बैठेगा। हर फिक्रमंद आदमी इसमें लगा हुआ है कि किस तरह से ये दर्द हो और इस कानून को वापस लिया जाए और गैर मुस्लिम हजरात को भी ये जानना चाहिए कि उनको भी इसमें जो ब्राह्मणवाद है ये रिज़र्वेशन कैंसिल करने के लिए एक दूसरी तरह से इसको मुसलत कर रहा है, वो ये चाह रहा है कि रिज़र्वेशन ख़त्म हो, ब्राह्मणवाद का ये असल मसला है। उन्होंने साजिश के तौर पर क्या कर रहे हैं, ये CA ला रहे हैं, CA लाने के बाद CA में जैसे कि हमारे को टारगेट किया जा रहा है उसी तरह उनको। मैं आज ये हमारी नई रोड जो ईदगाह रोड भी है यहाँ से आपसे मुखातिब हूँ। आज यहाँ पर रोटी कपड़ा फाउंडेशन और मस्जिद मुनव्वरा की जानिब से एक अपील की गई थी कि अपने एहतजाज को दर्ज करने के लिए 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट करने के लिए, तो ये बजरिया सोशल मीडिया हमको भी इसकी इत्तला मिली। ये दुकान मेरे छोटे भाई की है तो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे 15 मिनट के लिए, हम क्या पूरे मार्केट में और करीब और अतराफ के इलाकों से भी ये इत्तला मिली कि सब 15 मिनट के लिए लाइट बंद रख कर अपने गम और गुस्से का इजहार करें और इस CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ जो अपना एहतजाज था वो दर्ज कराए हैं
और ये इसमें किसी की ज़बरदस्ती और कोई आके बंद करने के लिए बोले नहीं, लेकिन हर जैसे जैसे लोगों को मालूम हुआ वो अपनी मर्ज़ी से इसमें हिस्सा लिए हैं और बिल्कुल पूरा मन तरीके से किसी को डिस्टर्ब किए बगैर बहुत अच्छे अंदाज़ में ये एक एहतजाज का एक नया तरीक़ा है जो किसी को तकलीफ़ दिए बगैर मुकम्मल हुआ है। मैं तमाम मीडिया वालों से सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे।